मध्य प्रदेश में गायों के संरक्षण और संवर्धन के लिए गो कैबिनेट का गठन किया जाएगा। इस संबंध में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार को ट्वीट कर जानकारी दी। शिवराज सिंह चौहान ने लिखा कि प्रदेश में गोधन के संरक्षण और संवर्धन के लिए गो कैबिनेट के गठन का निर्णय लिया है। पशुपालन, वन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, राजस्व, गृह एवं किसान कल्याण विभाग गो कैबिनेट में शामिल होंगे। गो कैबिनेट की पहली बैठक गोपाष्टमी के दिन 22 नवंबर को दोपहर 12 बजे गो अभ्यारण सालरिया आगरमालवा में आयोजित की जाएगी। शिवराज सिंह चौहान ने सिलसिलेवार ट्वीट में जानकारी देते हुए लिखा कि आज भगवान श्री वेंकटेश बालाजी के दर्शन कर प्रभु श्री तिरुपति बालाजी से सभी के कल्याण की प्रार्थना की। भगवान हम सबको सुख, स्वास्थ्य एवं समृद्धि प्रदान करे, प्रदेश खुशहाल हो, यही प्रार्थना है। इससे पहले मध्य प्रदेश सरकार ने लव जिहाद पर कानून बनाने का फैसला किया। राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्र ने कहा कि जल्द ही हम विधानसभा में लव जिहाद के खिलाफ कानून लाएंगे। ये गैर जमानती अपराध होगा और दोषियों को 5 साल तक की सजा का प्रावधान होगा। इससे पहले यूपी और हरियाणा सरकार भी कानून बनाने की बात कह चुकी है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्र ने कहा था कि आगामी विधानसभा सत्र में शिवराज सरकार लव जिहाद को लेकर धर्म स्वातंत्र कानून के लिए विधेयक पेश किया जाएगा और कानून बन जाने के बाद गैर जमानती धाराओं में केस दर्ज कर 5 साल तक की कठोर सजा दी जाएगी। Powered by Arthros Clinic, a dedicated center for arthroscopy and sports injuries.